Dear students of class 2nd, I am continuing my lecture on your chapter number 16, time. In the last lecture, I explained you about the past, present and future time. Now I am explaining you about the days of a week, days in a week. देखो आपको पता है कि एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली आप बोलोगे 7 days, जैसे आप बोलते हो, यूज़ करते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है? तो दीज आर द डेज इन अ वीक. डेली कहते हो ना कि आज मंडे है, ट्यूसडे है, या जो भी डे होता है, ठीक है? तो इस तरह से ये आपके 7 days है इन अ वीक. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो देयर आर 7 days इन अ वीक. तो एक वीक में 7 days होते हैं. द डे एट प्रेजेंट इज कॉल्ड टूडे. आज के दिन को हम क्या बोलते हैं? टूडे, ठीक है? जो जिस डे में हम, जिस डे को हम स्पेंड कर रहे हैं, जो डे हमारा बीत रहा है, आज का जो दिन है, दैट इज नोन एज प्रेजेंट डे इज नोन एज टूडे. द डे बिफोर टूडे इज पास्ट. अब आज से पहले वाला जो दिन था, ठीक है, आज से जो पहले वाला दिन था वो तो बीत गया, दैट इज पास्ट, वो पास्ट है. इज कॉल्ड यस्टरडे, उसको हम बोलते हैं यस्टरडे. द डे आफ्टर टूडे विच विल कम इन फ्यूचर इज कॉल्ड टुमारो. और जो आने वाला दिन है, जो कल होगा, ठीक है, जैसे कहते हो ना, कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा, तो जो आने वाला दिन है आज के दिन के बाद, टुडे के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा, दैट इज योर टुमारो. तो आज का दिन प्रेजेंट डे, टुडे, जो कल था वो यस्टरडे, और जो कल आएगा वो टुमारो. तो आज वाला दिन प्रेजेंट है, जो बीत चुका है वो पास्ट है, और जो आएगा वो फ्यूचर है, दैट इज टुमारो. कैलेंडर मंथ्स. अब मंथ्स क्या होते हैं? देयर आर 12 months इन अ ईयर. देयर आर 12 months इन अ ईयर, मतलब एक साल के अंदर 12 months होते हैं आपके. अब मंथ्स नेम आपको मालूम होंगे, जैसे आप कहते हो आजकल क्या चल रहा है, आप कहोगे फेब्रवरी चल रहा है, तो सारे मंथ्स नेम को आपने विथ स्पेलिंग्स लर्न करना है. ऐसे ही आपने डेज के नेम भी विथ स्पेलिंग लर्न करनी है. जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो देयर आर 12 months इन अ ईयर, एक साल के अंदर 12 months होते हैं, और उनके नेम एक बार मैं फिर से फिंगर रख के आपने रीड करने हैं और भी स्पेलिंग लर्न करना है. जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. लुक एट द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम. योर टीचर हैज रिटन 2 days डेट देयर. नाउ टेल व्हाट डे टुडे इज, विच मंथ इज दिस, विच ईयर इज दिस. तो अगर आप कभी बोर्ड के ऊपर ध्यान से देखते हो, तो टीचर पढ़ाने से पहले क्या करती है, जब क्लासरूम में टीचर आती है तो वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर सबसे पहले उस दिन की डेट लिखती है, डे लिखती है, कि आज कौन सा दिन है, आज क्या डेट है, ठीक है? वो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, ताकि बच्चों को हैबिट बढ़ जाए कि आज कौन सा डे है, आज कौन सी डेट है, ठीक है? तो दैट इज़ रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बाय द टीचर. तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम. तो अपने क्लासरूम में आपने ब्लैक बोर्ड पे लुक एट करना है, देखना है. योर टीचर हैज़ रिटन 2 days डेट देयर. तो टीचर ने उसके ऊपर आज की डेट लिखी है, तो आपने क्या बताना है? नाउ टेल व्हाट डेट टू डेज, आज क्या डेट है, ठीक है? तो आप उसके सामने लिखोगे कि आज की डेट क्या है, उस क्वेश्चन को लिखोगे व्हाट डेट टू डेज, और उसके आगे आंसर लिखोगे नीचे जो भी डेट होगी आज की, है ना? विच मंथ इज दिस, कौन सा मंथ चल रहा है, तो उस मंथ का नेम लिखना है. विच ईयर इज दिस,
कौन सा ईयर चल रहा है तो उस ईयर को बताना है। डेज इन द मंथ, एक मंथ में कितने डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज आर इन अ मंथ, अप्रैल जून सितंबर एंड नवंबर हैज 30 डेज। तो ये वो मंथ्स हैं जिनके अंदर 30 डेज होते हैं, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर हैज 31 डेज। तो कौन कौन से मंथ्स हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर एंड दिसंबर, इनमें 31 डेज होते हैं। फेब्ररी हैज ओनली 28 डेज। अब फेब्ररी एक सिंगल मंथ ऐसा है जिसमें आपके 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं। कैसे, फेब्ररी हैज ओनली 28 डेज इन अ लीप ईयर। जो लीप ईयर होता है हमारा, जिस ईयर को लीप ईयर कंसीडर करते हैं, फेब्ररी हैज 29 डेज। उस ईयर के अंदर जो फेब्ररी मंथ आता है उसके अंदर 29 डेज होते हैं, अदरवाइज फेब्ररी हैज 28 डेज। ठीक है, नॉर्मली फेब्ररी के अंदर 28 डेज है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो आप धीरे धीरे सीखोगे कि लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, तो लीप ईयर वाले ईयर में आपका जो फेब्ररी है उसके अंदर आपके 29 डेज होते हैं। नाउ योर लेक्चर इज ओवर एंड ऑल्सो योर लेसन, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल। देयर आर डेज नेम, मंथ्स नेम, एंड यू हैव टू लर्न देम एंड लर्न देयर स्पेलिंग एंड हैव रिटन प्रैक्टिस एंड ऑल्सो रीड द लेक्चर, रीड द लेसन वेरी केयरफुली, एंड एज देयर आर डिफिकल्ट स्पेलिंग यू हैव टू लर्न देम एंड रीड देम केयरफुली, एंड इफ एनी प्रॉब्लम अकर यू मे राइट ऑन व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।